हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म अपना रखा है नेस्ट अथॉरिटीज ने। जैसा कि हमने देखा है अपने पिछले वीडियो में भी कि बहुत सारे जो कि है ग्रीवियंसेस रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं लोगों को, जो कैंडिडेट्स हैं, जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहे हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहा है, उनकी कुछ क्वेरी रही है एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, किसी की ट्रांसफर पॉलिसी के रिगार्डिंग, किसी की लीव के लिए कि क्या हमें स्टडी लीव मिलेगी, किसी के लिए एंटाइटलमेंट ऑफ लीव के लिए कि क्या हमें लीव मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हमें लीव का जो कंसर्न एप्लीकेशन है मैम वो किसे देना है। तो तरह तरह के लोगों के ग्रीवियंसेस रहे हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा है। आप चाहे तो आप चैनल पे जाके जो कि हमारे वीडियो के लिस्ट पे भी चेक कर सकते हैं कि भाई ये जो इस पे जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो और बनाया है जिसपे कि मैंने दो पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज जो ग्रीवियंसेस हैं और ईएमआरएस के जो आप कह सकते हो सिलेक्टेड एम्प्लॉयज हैं उनके और जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके जो जो ग्रीवियंसेस हैं उन सब के लिए जो कि नेस्ट ने गाइडलाइंस इशू किए, जिसमें कि नेस्ट ने 10 बेसिक पॉलिसीज जो की है स्टेट कर दिए हैं, 10 बेसिक पॉइंट्स जो कि स्टेट किए और उनका एक्सप्लेनेशन दिया है। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने दो पॉइंट्स को जो कि है समझा दिया था। इन शॉर्ट मैं आपको आइए वो बताती हूँ और फिर आगे हम फर्दर अपना डिस्कशन कैरी ऑन रखते हैं, ताकि जो भी स्लाइड से भी स्लाइड डाउट अगर आपके मन में है, कोई भी एम्बिग्विटी आपके दिमाग में है, तो वो सारी जो की है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाए। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करूंगी आप सब अंत तक बने रहेंगे हमारे साथ। देखिए, ये जो ग्रीवियंस रिड्रेसल गाइडेंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईएमआरएस के जो अथॉरिटी है, ईएमआरएस की जो कंसर्न अथॉरिटी है नेस्ट, उन्होंने जो की है गाइडलाइंस इशू कर दिया है। 10 बेसिक जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेरीज है लोगों को, वो इन्हीं सब इश्यूज पे है कि एंटाइटलमेंट ऑफ लीव एंड लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है। तो भाई ये मैंने आपको बता दिया था कि जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल से आप ईओएल, सीएल, ईएल है ना, आप ये एचपीएल हाफ पे लीव है, चाइल्ड केयर लीव है, अर्न लीव है, कैजुअल लीव है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स है आपकी, सीसीएल है, चाइल्ड केयर लीव है, एमएल है आपकी, जो मेटर्निटी लीव है, ये सब जो की है कंसर्न अथॉरिटी प्रिंसिपल है जिससे आप लीव ले सकते हैं। और अगर आपको 30 दिन से ज्यादा की लीव लेनी है, जहां पे कि सीसीएल और एमएल यानी चाइल्ड केयर लीव और मेटर्निटी लीव को छोड़कर अगर आपको 30 दिन से ऊपर की लीव लेनी है, तो फिर आपके कंसर्न अथॉरिटी स्टेट ईएमआरएस से, जिनको कि आपको कंसल्ट करना पड़ेगा लीव लेने के लिए। साथ ही साथ अगर आपकी लीव बियॉन्ड 3 मंथ्स है, यानी 3 महीने से ज्यादा की लीव आपको चाहिए, तो उस केस में नेस्ट इज द राइट अथॉरिटी टू कंसल्ट फॉर योर लीव एंड आपको अपना एप्लीकेशन जो की है वो नेस्ट को देना होगा। लेकिन ये एप्लीकेशन जो नेस्ट तक जाएगा ये थ्रू ईएमआरएस सोसाइटी होकर जाएगा, यानी आपको लूप में आपको जो आप एड्रेस करोगे एप्लीकेशन उसमें आपको ईएमआरएस सोसाइटी को भी वो एप्लीकेशन एड्रेस करना होगा, उन्हें भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पर छुट्टी देने का पावर 3 महीने से ज्यादा की छुट्टी जहां है वो नेस्ट के पास ही है। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, आप मेरे पिछले वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी मैंने डिटेल में आपको ये दो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। साथ ही साथ जो दूसरा पॉइंट है वो है स्टडी लीव। तो स्टडी लीव के लिए मैंने क्लियरली आपको बता दिया था कि कोई भी प्रोविजन जो की है स्टडी लीव के लिए नहीं बनाई जा रही है, और जो भी कैंडिडेट ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे एज आप कह सकते हो ईएमआरएस एम्प्लॉय की तरह, अब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ज्वाइन करेंगे उनके पास कोई भी प्रोविजन स्टडी लीव के लिए नहीं है, मतलब यू आर नॉट एंटाइटल टू स्टडी लीव। आइए अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ और पॉइंट्स इसमें, जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूंगी मैं यहाँ ही सम अप कर लूं, ताकि बहुत ज्यादा ज्यादा हमें एक वीडियो और बनाना पड़े और उसपे भी मैं बहुत बढ़िया से आप लोगों को पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगी शानदार तरीके से, ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई भी डाउट जो कि नहीं रह जाए, स्लाइटेस्ट एम्बिग्युटी जो हो वो मैं दूर कर दूं। देखिए, जब हम बात करते हैं इश्यूएंस ऑफ एनओसी, एनओसी यहाँ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि अगर किसी ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है और वो किसी हायर पोस्ट के लिए, यहाँ पे एनओसी के लिए किसी पर्सन ने ऑलरेडी अप्लाई किया है, कोई पर्सन जो कि अपियर होना चाहता है सपोज किसी हायर पोस्ट के लिए, है ना, तो उस केस में जो कि अगर किसी पर्सन ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, तब आपकी जो अथॉरिटी है एनओसी के लिए उस केस में आपको प्रिंसिपल को अप्रोच करना होगा, है ना। और जहां पे प्रिंसिपल ग्रांट करेगा और जहां पे प्रिंसिपल के लिए यानी प्रिंसिपल को ही वो लीव चाहिए, ये एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो इशू करवाना है वो प्रिंसिपल को खुद अपने लिए करवाना है, देन इन दैट केस स्टेट सोसाइटी विल ग्रांट, है ना।
ये सबसे बड़ी चीज है आपकी। एनओसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा क्लियर फंडा है भाई। एनओसी के लिए जिसने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाल दी है, किसी को हायर पोस्ट के लिए अपियर होना है, एनओसी जो की है वो स्टाफ मेंबर हो, वेकेशन या नॉन वेकेशन स्टाफ हो, एक्सक्लूडिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल खुद अपने आप को छुट्टी तो नहीं दे सकता, तो प्रिंसिपल को छोड़कर जो भी और लोग हैं वो जो की है एप्लीकेशन डालकर एनओसी ले सकते हैं, एंटाइटल्ड है वो, उसके लिए अथॉरिटी प्रिंसिपल है। अब अगर प्रिंसिपल को ही एनओसी ऑब्टेन करनी है तो उनके लिए जो सही अथॉरिटी है वो स्टेट सोसाइटी जो कि ग्रांट करेगी। अब देखिए अगर आप यहां पे देखोगे एक और पॉइंट मैंने लिख रखा है कि इट विल नॉट बी इशूड इन प्रोबेशनरी पीरियड। 2 साल का आपका प्रोबेशन है ना, तो जिसका भी 2 साल का प्रोबेशन का ड्यूरेशन है, अगर वो चाहेगा कि उस 2 साल में मुझे जो कि एनओसी इशू कर दी जाए और वो ज्वाइन कर लेता है जाके या कर लेनी है जाके किसी रिस्पेक्टिव स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी कंसर्न के अंदर, और उसके बाद अब वो चाह रहे हैं कि मेरे को इसी 2 साल के अंदर अंदर जो की है मिल जाए एनओसी, तो ये नहीं होगा। प्रोबेशन पीरियड में जो की है आपको नहीं ग्रांट की जाएगी एनओसी। आई होप इश्यूएंस ऑफ एनओसी भी मैंने क्लियर कर दिया है। अगर कोई डाउट्स फिर भी रहे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ ऊपर के जो 2 पॉइंट्स है, स्टडी लीव के लिए और एंटाइटलमेंट ऑफ लीव के लिए, और आपकी अथॉरिटी कौन है लीव एंटाइटल करने के लिए, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना दी है, जस्ट इससे पहले आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। अब आते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। देखिए यहाँ पे सैंक्शनिंग ऑफ एचआर, ये हाउस अलाउंस की बात कर रहा है ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में। जो ईएमआरएस एम्प्लॉयज है क्या उन्हें एचआर मिलेगा? देखिए अगर आपको कैंपस के अंदर रहने की जगह नहीं दी जा रही है तो आपको बिल्कुल एचआरएम मिलेगा, आप एप्लीकेबल हो, बिल्कुल आप जो की है एंटाइटल्ड हो कि आपको जो की है वो प्रोवाइड करेंगे एचआरएम। अगर आपको क्वार्टर प्रोवाइड नहीं किया गया है बाय दी अथॉरिटी तब आपको एचआरएम मिलेगा, लेकिन अगर आपको क्वार्टर प्रोवाइड किया जा रहा है अथॉरिटी के द्वारा कैंपस के अंदर और आप नहीं रह रहे हो तब आप एचआरएम के लिए एंटाइटल्ड नहीं हो। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपको क्वार्टर मिल रहा है और आप क्वार्टर में रहें या फिर मैं बाहर घर लेके रहूं, ये ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको क्वार्टर नहीं मिल रहा है तब आप एंटाइटल है कि आप एचआरए क्लेम करें, और आप एचआरए क्लेम करके कहीं बाहर आउटसाइड जो कैंपस हॉस्टल है, आप कैंपस हॉस्टल को छोड़कर कहीं बाहर आप रह सकते हो। लेकिन अगर आपको कैंपस हॉस्टल के अंदर ही स्पेस दी जा रही है और तब आप बोलोगे कि मुझे एचआरए भी मिल सकता है क्या, तो ये नहीं होगा। सिर्फ जब आपको कैंपस के अंदर रहने की जगह नहीं दी जाएगी, सुविधा नहीं प्रोवाइड की जाएगी रहने की, तब जो की है आप कैंपस के बाहर जाके कहीं रह सकते हो, और उसके लिए जो कि आप एंटाइटल्ड हो कि आप हाउस अलाउंस डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है, वो क्या है कि प्रिंसिपल एंड हॉस्टल वार्डन को कैंपस के अंदर रहना कंपल्सरी है। यानी प्रिंसिपल एंड हॉस्टल वार्डन के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उनके लिए जो आवास, जो फैसिलिटी आप कह लो हॉस्टल की, जो भी अंदर दे दी गई है, जो क्वार्टर अलॉट कर दिया गया है उन्हें कैंपस के अंदर, हॉस्टल वार्डन को और प्रिंसिपल को उसी अलॉटेड क्वार्टर में कैंपस के अंदर ही रहना होगा। अब देखते हैं हम पांचवा पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ अपॉइंटेड स्टाफ। अब ये ट्रांसफर पॉलिसी तो बहुत खेल खेल रही है, हम सब जानते हैं हमेशा ट्रांसफर के लिए इश्यू होता है। मैम मैं ट्रांसफर करा सकता हूँ, मुझे अपने होम डिस्ट्रिक्ट में लेना है, मैम मुझे अपने होम टाउन में लेना है, अच्छा स्टेट तो मैम मिल ही जाएगा। तो देखिए इस पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। ये जो कम्युनिकेशन है ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के थ्रू ही होगा। यानी जो आपका कम्युनिकेशन है, यानी जो आपकी डिस्कशंस है, जो आप करना चाहते हो ट्रांसफर रिलेटेड, वो सिर्फ कम्युनिकेशन जो होगा वो सिर्फ आप देख सकते हो यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के थ्रू ही होगा। और ये तभी, ये अभी ट्रांसफर पोर्टल खुला नहीं है क्योंकि जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो पब्लिश नहीं की गई है ना। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो पब्लिश नहीं की गई है। जब ट्रांसफर पॉलिसी पब्लिश की जाएगी तब उसके बाद आपका ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा और जो भी आपको कम्युनिकेशन करना होगा वो आप नेट से कर सकते हैं। ट्रांसफर जो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल होगा उसके थ्रू, वो भी तब होगा जब ये ट्रांसफर पॉलिसी खुल जाएगी, पब्लिश कर दी जाएगी। जब ट्रांसफर पॉलिसी पब्लिश होगी तब आपका ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल खुल जाएगा जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकेंगे नेस्ट से इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ट्रांसफर। लेकिन उसके पहले नेस्ट कोई भी आपके ये एंटरटेन नहीं करेगा आपके ट्रांसफर रिलेटेड इश्यूज को, है ना। आप कहोगे कि डायरेक्टली हम अप्लाई कर दे, हम एप्लीकेशन सबमिट कर दे, हम नेस्ट ऑफिस में किसी से मिलने चले जाए, तो वो नहीं होगा। ये क्लियरली लिखा हुआ है कि नो ट्रांसफर रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन बाई नेस्ट। तो नेस्ट ट्रांसफर रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं करेगा, ये सिर्फ होगा ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के थ्रू जो खुलेगा आपके कम्युनिकेशन के लिए जब एक बार ट्रांसफर पॉलिसी पब्लिश हो जाएगी तब।
अब आप देखोगे यहाँ पे भी मैंने कुछ कुछ लिख रखा है। देखो भैया एक्सटेंशन टू ज्वाइन ईएमआरएस, एक्सटेंशन टू ज्वाइन ईएमआरएस में क्या है भाई, देखिए केस टू केस एक्सटेंशन दिया जाएगा। अब सब कहेंगे कि क्या कुछ एक्सटेंशन मिल सकता है मैम, जिस डेट पे दिया गया क्या हम उस डेट के थोड़े बाद ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए ये जो एक्सटेंशन दिया जाएगा कि अगर आपको एक स्पेसिफाइड डेट अपॉइंटमेंट लेटर में दे दिया गया है और आप उस पर्टिकुलर डेट पे ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, उसके कुछ टाइम बाद ज्वाइन करना चाह रहे, तो ये केस टू केस बेसिस पे होगा सबसे पहले। तो जो दूसरी पॉइंट मैंने लिख रखा है कि देखिए जहां पे जेन्युइन केसेस होंगे, जहां पे वैलिड ग्राउंड्स होगा, वैलिड रीजंस होंगे, रीजनेबल कॉज होंगे, वहां पे जो कि एक मंथ का एक्सटेंशन दे दिया जाएगा कि हाँ ठीक है एक मंथ के बाद जो डेट है, सपोज 24 जुलाई है, 24 जुलाई 2024 में आप नहीं ज्वाइन करके, ये डेट सपोज मैंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाते हो जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन है, तो आप 24 अगस्त को ज्वाइन कर सकते हो 2024 में, लेकिन ये सिर्फ जेन्युइन केसेस में होगा। आप ये भी यहाँ पे देख लो मैंने लिख दिया है, सिर्फ जेन्युइन केसेस में होगा। अब जैसे फीमेल्स हैं, उनका कुछ फैमिली रिलेटेड इशू है, कुछ फैमिली मैटर है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स से वो जूझ रही है, उस केस में जो की है ये कंसिडर उनके केस में किया जा सकता है कि भाई एक्सटेंशन इन्हें दे दें। लेकिन कितने समय का एक्सटेंशन दिया जाएगा ये नहीं लिखा है, ये बस ये बताया है इन्होंने कि हम फैमिली इश्यूज देख के फीमेल्स के केसेस में एक्सटेंशन दे सकते हैं। और वैसे ही जो कि अगर अब कोई पर्सन है वो किसी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसने नोटिस पीरियड भी सर्व कर दिया है लेकिन अभी तक जो कि उसे रिलीव नहीं किया गया है वहां से, उस केस में उसके नोटिस पीरियड को देख के जो की है कि प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में उसने नोटिस पीरियड सर्व किया, आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में उसने नोटिस पीरियड सर्व किया या नहीं किया है, और नोटिस पीरियड अगर सर्व कर दिया है तो उस बेसिस पे कितने दिन की वो एक्सटेंशन मांग रहा है और कितने दिन की हम दे सकेंगे, ये देखते हुए सारी चीजें देखते हुए जो की है यहाँ पे आपको ग्रांट किया जाएगा एक्सटेंशन। तो आई होप कि ये एंटाइटलमेंट वाला पॉइंट, ये एंटाइटलमेंट ऑफ लीव है और प्लस लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है हमारी, वही हमें स्टडी लीव मिलेगा या नहीं मिलेगा, वही इश्यूएंस जो है एनओसी का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का, वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ अगर सैंक्शनिंग ऑफ एचआरए है कि एचआरए जो की है आपका हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमें कैंपस में ही रहना होगा या हमारे पास ऑप्शन है, ये सब कुछ, इसके साथ साथ ट्रांसफर ऑफ अपॉइंटेड स्टाफ, जो स्टाफ है उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, और एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग ईएमआरएस एम्प्लॉयज की हमें एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं, या जो हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में डेट दिया है मैम हमें उसी में ज्वाइन करना है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ वो प्रॉब्लम है, इसे कंसिडर किया जाएगा या नहीं, ये सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग प्लीज इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और एक और वीडियो में मैं जो की है सम अप करूंगी अपने इस डिस्कशन को, जो गाइडलाइंस है जो कि एक रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है नेस्ट इन केस ऑफ ईएमआरएस एम्प्लॉयज की, उन्हें जो भी प्रॉब्लम है उनके जो ग्रेवियंसेज है उनके लिए हम क्या रिड्रेसल ला सकते हैं, क्या रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, किस हद तक हम जो की है उन्हें कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और उनके लिए कंसर्न अथॉरिटी क्या होगी उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, इन सब का सोल्यूशन जो कि नेस्ट ने दे दिया है, अपने गाइडलाइंस पे इशू कर दिया है। हमने 10 में से मैंने आपको 10 पॉलिसीज जो हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो फ्रेम्ड इश्यूज हैं मैंने वो बता दिया है, उससे रिलेटेड 6 पॉइंट्स मैंने अपने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है, 2 पॉइंट मैंने डिटेल में अपने पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। बाकी के 4 पॉइंट्स भी जो कि हम जल्दी ही एक्सप्लेन करके और आपके सामने ले आएंगे ताकि कोई भी दुविधा, कोई भी एम्बिग्विटी आपके मन में ना रह जाए। अगर इसके बाद भी कभी भी आपको कुछ क्वेश्चन होता है आप प्लीज हमसे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़े या कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज प्लीज stay tuned to our channel and please do like, share and subscribe. Thank you so much.